गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर थर्ड ऑफ स्विक्स, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ. सरकार की जो है स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, सरकार का क्या रोल है, वो अब इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. तो फर्स्ट हम ये जितना भी हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है लोगों की जो भूमिका होती है, लोग जो सरकार से उम्मीद रखते हैं वो ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे कल्याण के लिए काम करे. उस कल्याण में जो क्या क्या आता है कि सरकार जो है शिक्षा से रिलेटेड स्कूल खुलवाए, जो है सड़कों का निर्माण करवाए, इन सब कामों से जो है लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस तरीके के हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करे. बट इस चैप्टर में हम जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है हम पढ़ेंगे कि सरकार जो है हेल्थ से रिलेटेड किस वर्क, किस काम में जो है हमारी हेल्प, हमारी मदद करेगी, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. तो फर्स्ट व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है. अब सबसे पहले हमें ये तो हम बताने जा रहे हैं कि सरकार के जो है हेल्थ में क्या रोल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है. व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है. हेल्थ का मतलब है कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की हमें हर प्रकार की बीमारी और किसी भी चोट से दूर रहना ही हेल्थ है. क्लियर, कि हम अपने आप को हेल्दी जब कहेंगे, जब हम किसी प्रकार की बीमारी से दूर रहेंगे. ठीक है, अब केवल बीमारियों से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है. अब हम उन बीमारियों से दूर कैसे रहेंगे, बीमारियों का हमारे ऊपर जो है प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा. वो क्या है कि हम जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड जो है पोल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट में हम रहे तो ही जो है हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे. तो स्वस्थ रखने के लिए जो है हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं. अब भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो किस तरह की है वो मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि इंडिया में, हमारे इंडिया में जो है हर साल अराउंड 15,000 जो है डॉक्टर रेडी होते हैं, मीन्स डॉक्टर बनते हैं. क्या होता है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो शहरों में जाके बस जाते हैं और गांव के लोग जो होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है. उनको जब अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उनको एक लंबे डिस्टेंस जो है तय करके शहर में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है. अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में जो है इतने सारे डॉक्टर्स और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के होते हुए भी कुछ लोगों को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इस चैप्टर में हकीम शेख होते हैं, वो मजदूर वर्ग का जो एक संगठन होता है उनके सदस्य होते हैं. क्या होता है, एक बार वो ट्रेन से जा रहे होते हैं तो वो ट्रेन से गिर जाते हैं. गिरने के बाद उनके सिर में जो है गहरी चोट लग जाती है. उनको जो है एक पास में एक सरकारी हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाता है जहां उनको एडमिट नहीं किया जाता है. फिर उनको जो है दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहां भी किसी और बेड नहीं है या कोई और कारण बता के जो है उनको एडमिट नहीं किया जाता है. इस तरीके से उसको 8 घंटे में जो है 14 हॉस्पिटल्स में जो है उनको ले जाया जाता है, बट किसी भी जगह जो है उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है. लास्ट में उनको जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है. वहाँ उनका ट्रीटमेंट तो हो जाता है बट क्या होता है कि उनके इलाज में जो है बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं. तो ये जो है हमारे इंडिया में जो है इस तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है बट सब लोगों को जो है वो टाइम पे नहीं मिल पाती है. क्लियर, अब इस कहानी में जो बताया है प्राइवेट और पब्लिक
फैसिलिटीज़ की बात हुई है, यहाँ अभी मैंने बताया कि इंडिया में हाकिम शेख को जो है प्राइवेट में जो है सॉरी पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है तो उसको प्राइवेट में ले जाया जाता है, तो इसलिए जो है इस चैप्टर में इन फैसिलिटीज़ को जो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बताया है। तो हम इनको वन बाय वन डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। ये स्वास्थ्य सेवाएं, ये हेल्थ सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, रन बाय गवर्नमेंट। इसमें जो है सभी लोगों का जो है ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी जो जाके यहाँ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्लियर। अब बात ये आती है, इसमें जो है डॉक्टर्स और ये भी जो है ग्रामीण लेवल पे भी होती है और शहरों में भी होती है। ग्रामीण लेवल पे, गांव में जो है वो छोटे लेवल पे डॉक्टर्स वगैरह कुछ नर्सेज होते हैं, एक दो नर्स होती है, एक दो डॉक्टर होते हैं जो गांव में छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए उनको वहाँ पे रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि गांव में जो इस तरीके की हेल्थ सर्विसेज है वो ऐसे ही है, नो बेटा। वहाँ पे जो नर्सेज वगैरह डॉक्टर्स वगैरह जो रखे जाते हैं वो ट्रेंड होते हैं, पहले उनको ट्रेंड किया जाता है और बाद में उनको इस प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। क्लियर। यस बेटा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब हम इसको वन बाय वन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज मीन्स सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मीन्स गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गांव में जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह काम करते हैं, ठीक है ना, ये सारे जो है गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाए जाते हैं, इनकी देख रेख जो है गवर्नमेंट करती है। क्लियर। अब क्या होता है कि गांव की, सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको वहाँ काम पे रखा जाता है, तो वो पहले इस काम के लिए ट्रेंड किए जाते हैं और उनके बाद जो है उनको वहाँ पे रखा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि सिटी में जो हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह काम करते हैं इन सबको सैलरी कौन देता है? इन सबको सैलरी जो है गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट कहाँ से देती है, सरकार कहाँ से देती है? सरकार लोगों से जो टैक्स लेती है उन टैक्स से जो है वो इन लोगों को सैलरी वगैरह देती है। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट मीन्स अपनी खुद की निजी हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कि शहरों में बहुत सारे दुनिया भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट तो इजीली मिल जाता है, बट वहाँ हर कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो है लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट होता है, बट प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में लोगों को जो है अपना इलाज कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब पैसे देने पड़ते हैं तो जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो अपना ट्रीटमेंट इजीली करा लेते हैं, बट जो गरीब लोग हैं वो इन हॉस्पिटल्स में जो है अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, इसलिए जो है वो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो है सहारा लेते हैं। और इनमें जब उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तब वो एंड में जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जाते हैं और अपना जो है पैसे उधार लेके या जैसे तैसे करके जो है अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। पब्लिक मीन्स सरकार से रिलेटेड और प्राइवेट निजी। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं और समानता। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सब समान है? हमारे भारत में जो है, अपने इंडिया में जो है क्या हो रहा है,
प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, बट इनकी तरफ जो है गवर्नमेंट कर रही है, बट इतना नहीं कर पा रही है जितना कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जो है ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है ये समान नहीं है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा बढ़ रही है और ये ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और ये ज़्यादा बढ़ रही है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, मीन्स कि लोगों को जो है इनकी इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। सरकार को जो है इन फैसिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए सरकार को काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर आदमी के पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए सरकार को जो है इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, ताकि हर लोगों को जो है समान रूप से सारी फैसिलिटीज़ मिले। ओके, थैंक यू।